हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज था एफसी कप का मैच, ग्रुप स्टेज का थर्ड मैच, मोहन बगान वर्सेस मुसुंधरा किंग्स। कोलकाता में दशहरा और विजयादशमी के चलते मैच शिफ्ट हो गया कलिंगना में। मैच स्टार्ट हुआ एंड मोहन बगान शानदार अटैक शुरू किए, अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग सा माहौल था क्योंकि दोनों टीम का जर्सी एक ही था। डीबी पेत्ता था, उसने 29 मिनट में बहुत ही शानदार गोल मारा एंड हम लोग 1-0 से लीड गए। एंड इन रिपरकशन वसुंधरा किंग्स ने भी 33 के मिनट के अंदर एक गोल मार दिया एंड रेफरी शायद कैस किस तरह से खेल रहे थे पता नहीं चल रहा था, बहुत ही गंदा डिसीजन दे रहा था। एंड आवर डिफेंडर अनवर अली भी इंजर्ड हो गया। इट बहुत ही सीरियस मुद्दा है, कितना सीरियस इंजरी हुआ पता नहीं। एंड फर्स्ट हाफ में स्कोर जाके हुआ मोहन बगान एंड वसुंधरा किंग्स 1। सेकेंड हाफ में वसुंधरा किंग्स ने अपना जर्सी चेंज किया एंड फाइनली हम लोग दोनों टीम को देख पा रहे थे कि अलग अलग। एंड सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही मोहन बगान ने दमदार अटैक करना शुरू कर दिया एंड आशीष राय ने एक शानदार गोल मार दिया, बट एट 70 मिनट हम लोग को एक पेनल्टी खा गए एंड वो लोगों ने पेनल्टी कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर फुल टाइम स्कोर आगे पहुंचा मोहन बगान 2 एंड वसुंधरा किंग्स 2। मैन ग्रुप में मोहन बगान टॉप में है विथ 7 पॉइंट एंड वसुंधरा किंग्स सेकेंड में है विथ 4 पॉइंट एंड उड़ीसा थर्ड में हुए विथ 3 पॉइंट। आज का दूसरा मैच उड़ीसा के मैच देखा नहीं बट थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा ने एएफसी कप में एक भी मैच नहीं जीता था, बट जो जीता वो मैच एकदम धमाकेदार जीत, 6-1 से जीता मेजिया से, शानदार जीत। मेजिया का कोई भी चांस नहीं मिला, उड़ीसा ने बहुत शानदार शॉट लिया एंड फाइनली अपना फर्स्ट जीत मिल गया एएफसी कप में। फील प्राउड टू बी एन इंडियन सपोर्टर। फॉर मोर फुटबॉल अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय मोहन बगान, जय हिंद, जय भारत।